एफसीआई वालों किसानों नू सीधी खातों में अदायगी लई जारी नोटिफिकेशन का मामला अज लोग सभा दे विच वी गूंजिया। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने लोग सभा विच इस मुद्दे नू चुकिया ते केंद्र नू पुछिया कि तुसी ये बयान दे रहे हो कि वर्किंग ग्रुप जिहड़ा इस मामले ते वो स्टेक होल्डर्स नाल गल कर चुके। उन्होंने पूछा कि फैसला लैण तों पहलां पंजाब विच किहड़े किहड़े स्टेक होल्डर्स नाल गल कीती गई है, इसका वेरवा दिता जाए। उन्होंने किसानों अते आड़तियों वालों जो जोरदार इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने स्टेक होल्डर्स करार देते हुए सवाल यह पूछा। जमीन का रिकॉर्ड मुहैया करवाने ही एफसीआई वालों खरीद किए जाने की शर्त इस नवे नोटिफिकेशन में रखी गई है, जिस नाल साफ है कि बेजमीने किसान अते ठेके ते जमीन लैके खेती करने वाले अते इसका सब तो वध असर पएगा, सब तो वध मार पएगी। तो किसानों ने इस नूं एमएसपी खत्म किए जाने वाला एक वड्डा कदम भी करार दिता है, इस करके इसका विरोध हो रहा है। तो उन्होंने आवाज़ अज लोग सभा के अंदर साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी चुकी। हरसिमरत कौर बादल जी, काइंडली ब्रीफ क्वेश्चन। सर, मंत्री जी ने अपने जवाब में बोला है कि जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने द वर्किंग ग्रुप हैज हेल्ड सेवरल मीटिंग्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग दिस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। सो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन मंत्री जी को ये है कि पंजाब में आपने कौन से स्टेक होल्डर्स के साथ आपने मीटिंग करी है और पंजाब सरकार की व्यू क्या है, क्योंकि अभी भी इससे पहले देखा है कि जो काले कृषि कानून जिसके खिलाफ किसान बैठे हैं उधर भी बोला था सेक्रेटरियों ने कि हमने स्टेक होल्डर से बात करी। मंत्री जी होल्डर से बात करी लेकिन असल में किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं हुई। सर, आई विल बी वेरी क्लियर। सर, दिस डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू द फार्मर, it is not only related to Punjab government alone, because the whole country, all the stakeholders including Punjab, we have taken their opinions, and practically after final decision comes out then only I can spell about what all things that are said by the Punjab government, and then only I can say that yes, these are the issues that has been given a clear answer by the central government. Thank you.